स्वार्थ, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में व्यवहार कहते हैं, व्यावहारिक जीवन, और परमार्थ जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, अध्यात्म। केवल यदि स्वार्थ के लिए तुम जिंदगी जीते हो तो तुम पशु हो, पंछी हो, कीड़े मकोड़े हो, न खुद को जाना न दुनिया को जाना, बस खाना पीना सोना, लड़ाई झगड़ा करना बंदरों की तरह, कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोचना, जरा भी संतोष नहीं, गम खा नहीं सकते, प्रेम है नहीं, लड़ झगड़ के आपस में ही रोज लड़ाई करना, पति को भी घुड़कना, बहुओं को पीटना, और बहुएं मिल करके सासों को दुख देना, पूरे घर में कलह कलेश मचाए रहना, एक दूसरे को तंग करने में बुद्धि लगाए रहना, एक दूसरे का परोपकार स्वप्न में भी न सोचना, दूसरों की उन्नति देख करके जलन करना, किसी की सहायता न करना, गुस्सा खोप करना और हमेशा नाराज बने रहना, जिससे थोड़ी सी बात हो गई फिर कभी न बोलना, मुंह फुलाए रहना, उसकी तरफ देखना नहीं, उसके पास बैठना भी नहीं, वहाँ से उठ के चले जाना, ये सब चीज़ें आपको पशु बनाती है, आपको कीड़ा मकोड़ा बनाती है। और पशु बनाती हैं ये तो मैं कह रहा हूँ और क्या कहूँ, लेकिन पशु भी इतना नीचे नहीं गिरते हैं जितना नीचे आदमी गिर जाता है। पशु भी आप देखिए, मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, पंछियों में देखिए, चींटियाँ मिलजुल कर काम करती हैं, तितलियाँ हिल मिल करके उड़ती हैं, नाचती हैं, भौंरे एक साथ में गुंजार करते हैं, और चूहे भी एक साथ में संगठन से रह लेते हैं, चिड़ियों के झुंड खूब संगठन से उड़ते हैं, और वहाँ ना कोई प्रवचन करता है, ना तो वहाँ कोई कथा भागवत हो रही है, ना वहाँ कोई रामायण मानस गीता सुना रहा है, ना वहाँ कोई असंग साहब बैठे हैं, ना वहाँ छमादेव दर्शन दे रहे हैं, वहाँ ये साधु लोग भी पगड़ी बांध कर कोई नहीं समझा रहे हैं, कि भजन भी कोई नहीं गा रहा है। वो सब पशु पक्षियों में भी ये विशेष गुण है। चाणक्य ने तो बड़ी कृपा किया है कि ऐसे लोगों को पशु कहा है, लेकिन पशुओं ने विरोध किया है कि मनुष्य को पशु मत कहना। तो चाणक्य ने कहा क्यों ना कहूँ, अरे बोले मेरा अपमान हो जाएगा, ये मनुष्य पशु कहने योग्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है पशु कहने योग्य, अरे बोले इतना धूर्त तो कोई प्राणी है नहीं, पक्का मूर्ख जल्लाद और अज्ञानी, हमारा जीवन तो इनसे अच्छा है। इसलिए कहते हैं मनुष्य जीवन एक ऐसा चौराहा है, यहाँ से तुम महामानव बन सकते हो, देव मानव बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, इंसान बन सकते हो, शैतान बन सकते हो, राक्षस बन सकते हो, पशु पक्षियों से भी नीचे गिर सकते हो, देवी देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हो, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, जन्म जन्म के बंधन तैयार कर सकते हो, माया मोह में फंस भी सकते हो, फंस गए हो तो निकल भी सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो, मुक्ति भी कर सकते हो, शांति भी प्राप्त कर सकते हो, खुश भी रह सकते हो। जिस प्रकार से मनुष्य हंसता है, कोई प्राणी इस तरह से हंसता नहीं। ये हंसने की कला, हंसने का गुण, हंसने का सौभाग्य और हंसने का तौर तरीका, हंसने का अंदाज केवल मनुष्य को मिला। किसको मिला? मनुष्य को। अब ये फिर भी नहीं हंसता है। भैंस भले कभी कभी अपनी ऊँटें थूथन उठा के दांत निकाल दे, अब वो हंसती है कि क्या करती पता नहीं, लेकिन हमने देखा है, मुंह खोलती है, दांत दिखाती है दूसरे तरफ। ये भैंस से भी गाढ़े लोग हैं, भैंसा से भी गाढ़े लोग हैं, ये कभी हंसते नहीं हैं, ना जाने कहाँ कहाँ फंसते हैं, और बहुत रीझते हैं, खींचते हैं, उलझते हैं, उथल पुथल, घिसड़ फिसड़, और बहुत गजब का आदमी है।
अब आदमी संभल जाए, आदमी संभल जाए तो आदमी भगवान से कम नहीं है, और आदमी यदि फिसल जाए तो राक्षस से भी कम नहीं है, राक्षस से भी कम नहीं है। आदमी भगवान न बन पाए इस बात की कोई गम नहीं है, आदमी पशु जानवर न बने ये बात भी कोई कम नहीं है, ये बात भी कोई कम नहीं है। अरे भगवान न बन पाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन कहीं ये जानवर न बन जाए, उनसे नीचे न गिर जाए, तो आदमी आदमी बना है ये भी कोई कम नहीं है। आदमी आज आदमी सबसे ज़्यादा डरता है तो आदमी से, आदमी को सबसे ज़्यादा किसी ने ठगा है तो उसका भी नाम आदमी है, और आदमी सबसे ज़्यादा रोया है तो आदमी के कारण रोया है, आदमी को टेंशन है तो सबसे ज़्यादा आदमी के कारण टेंशन है, आदमी दुखी है तो आदमी के कारण ही ज़्यादा दुखी है, आदमी यदि चिंतित है तो आदमी के कारण ही चिंतित है। वो आदमी चाहे घर का हो, वो औरत हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पति हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, पड़ोसी हो, लफाड़िया हो, कोई हो, लेकिन आदमी आदमी के कारण ही परेशान होता है। और आदमी आदमी की मदद करे तो आदमी को ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है, ज़िंदगी जीना बहुत आसान होता है। एक आदमी वो भी है जो प्रवचन सुनाता है, दूसरा आदमी वो भी है जो प्रवचन सुनता है, सिर हिलाता है, मुस्कराता है, आनंद लेता है, और तीसरा आदमी वो भी है जो गाली खूब बकता है, और चौथा वो भी आदमी है जो गाली सुनकर दुखी होता है, अरे हमको गाली देनी है, और पांचवा वो भी आदमी है जो गजल कव्वाली गाता है, और छठा वो भी आदमी जो सैया बलमों के गीत गाता है कि गोटेदार लहंगा लंगोटेदार साड़ी, ये सब गा गा करके दिमाग खराब करता है, और छठा सातवां वो भी आदमी है जो तुमसे प्रेम करता है, और वो भी आदमी है जो तुमसे नफरत करता है, वो भी आदमी है जो तुम्हारी मदद करता है, वो भी आदमी है जो तुमको लूट कर अपना घर भर लेता है, तुम्हें बर्बाद करता है, ये सब आदमी का ही चरित्र है, आदमी का ही चरित्र है। आदमी के चरित्र से ही आदमी प्रभावित है, आदमी के चरित्र से ही आदमी प्रभावित है, और आदमी के चरित्र से ही आदमी दुखित है, और आदमी के व्यवहार से ही आदमी चिंतित है, और आदमी आदमी के कारण ही इस संसार के अंदर पागल बनता है। इसलिए याद रखना, ऐसे आदमी बनो, जिस आदमी को मिलो, जिस आदमी के साथ रहो, जिस आदमी के पास रहो, उस आदमी को भी खुशियों से भर दो, आनंद से भर दो, उनकी भी मदद करो जिनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उनको भी ऊपर उठाओ जिनको सब नीचे कुचलने के लिए काम कर रहे हैं, और उनको भी कुछ सहयोग करो जो लोग बहुत दुख में डूबे हुए हैं, और दुख से बाहर निकाल करके उनको खुशियों से भर दो, इसका नाम भी आदमी है। ऐसे आदमी बनो जिससे कि आदमी तुमको याद करता रहे, ऐसे आदमी बनो जो आदमी तुम्हारा गुणगान करता रहे, ऐसे आदमी बनो कि आदमी तुम्हारा इंतजार करता रहे, और ऐसे आदमी बनो जब तुमको आना हो तो आदमी ही तुम्हारा इंतजाम करता रहे, ऐसे अपने अंदर गुणों का विकास कीजिए। आदमी 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 को संभालना कठिन है, भैंसे संभालना आसान है, सुअर संभालना आसान है, गधों को संभालना आसान है, भेड़ों को संभालना आसान है, ट्रैक्टर गाड़ी मोटर ट्रक सब संभालना आसान है, मकान दुकान संभालना आसान है, आदमी को संभालना बहुत कठिन है। बाप बेटे को संभाल नहीं पा रहा है, बेटा बाप को नहीं संभाल पा रहा है, माँ अपने सासू को नहीं संभाल पा रही है, सासू अपने बहू को नहीं संभाल पा रही है, बहुत कठिन है। मालिक नौकर को नहीं संभाल पाता है, अधिकारी कर्मचारी को नहीं संभाल पाता। मैंने एक देखा पुलिस अधिकारी को, एक पुलिस कांस्टेबल डंडा से पीट रहा था सीतापुर में, धमाधम धमाधम। वो जिसको पीट रहा था वो थोड़ा सा उम्रदार था, जो पीट रहा था वो नौजवान था, बहुत डंडा चलाया, एक चलाया, दो चलाया, तीन चलाया, चार चलाया,
दस चलाया, फिर दो चार उसके लग गए, फिर पकड़ लिया, फिर खींच लिया, फिर मार दिया, फिर दो चार पुलिस वाले दूसरे दौड़े, फिर रोका, पकड़ा, बचाया, वीडियो बना लिया, वीडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, दे दनादन डंडाबाजी। और वो फिर यशपी को पता चला, यशपी ने उसको बुला करके लाइन हाजिर किया, चाल तो क्या करता, उसको क्यों मार रहा था, पागल पूरा कहीं का, झगड़म झगड़ी सब, रगड़म रगड़ी। तो आदमी कहाँ इसका मूड खराब जाए, क्या हो जाए, क्या डिस्टर्ब कर दे, इसका गड़बड़ मामला बहुत है। इसलिए याद रखना, आदमी को सुधारने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को महान बनाने के लिए, आदमी की बुराइयों को दूर करने के लिए ही गीता है, भागवत है, शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, कबीर का बीजक है, प्रवचन है, कथा है, ये सारा खेल सब आदमी को महान बनाने के लिए है, आदमी को बिगड़ने से बचाने के लिए है, आदमी को आदमियत से गिरने से बचाने के लिए है। और आदमी को अगर आपने बचा लिया तो पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है, पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाती है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। देखिए आदमी आज चाइना से सभी देश डर रहे, अमेरिका से सभी देश डर रहे। अमेरिका क्या है, वहां बैठा है जो राष्ट्रपति वहां का जो बाइडेन, बहुत उसके अंदर भी गुस्सा भरी हुई है कि सब मनमानी कर रहे हैं अपने अपने देश के अंदर, क्या करूं मैं। अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा बेचारा, युद्ध शुरू हो जाए तो वो भी बर्बाद हो जाए, तो घुड़की फुड़की मारता है लेकिन कोई कंट्रोल हो नहीं रहा है। सब चुपके चुपके परमाणु बम तैयार कर रहे हैं, जिस दिन एक देश परमाणु बम छोड़ देगा तो दूसरा फिर 10-20 बम छोड़ देगा, तीसरा छोड़ देगा, ये सृष्टि की लीला सब शून्य हो जाएगी। ये परमाणु बम बनाया क्यों है, इसको बनाने की इजाज़त नहीं करना चाहिए, इसकी खोज ही करने की ज़रूरत नहीं है। अरे बंदूक काफ़ी, राइफल काफ़ी, तलवार काफ़ी, भाला काफ़ी है, ये परमाणु बम का क्या काम था, कोई नहीं बना सकता। पूरे विश्व के परमाणु बम खत्म करना चाहिए, कम से कम गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, बेईमानी आ जाए, लड़ाई हो जाए तो 2-4 हज़ार लोग मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन पूरे विश्व का विनाश हो जाए। और सबके पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है, हिंदुस्तान के पास है, चाइना के पास है, कनाडा के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, मलेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास, सिंगापुर के पास, किसके पास नहीं है, सबके पास है। तो एक जब चलाएगा तो दूसरा चला ही देगा। तो इस सृष्टि का विनाश करना है, कितनी मुश्किल से ये सब पेड़ पौधे, हरा भरा संसार, इतना मकान, इतनी दुकान, इतनी फैक्ट्री, इतने कारखाने, इतनी रेलवे लाइन, इतने ओवर ब्रिज, इतनी सड़कें, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन 10 लाइन ये सब बनाए गए हैं। इसमें सैकड़ों साल बीत गए तब जाकर के देश का डेवलपमेंट हुआ, विश्व का विकास हुआ है, और तुम परमाणु बम लेकर बैठे हो। अरे ढोल बुद्धि मूर्खों, तुम्हारे पास ही बम थोड़े है, अरे हिंदुस्तान में तो शुरू से ही बम बम है, बम बम भोले, और तुम अब बना रहे हो एटम बम, तो क्या समझ रखा है, ये बम बम भोले का देश है। सुबह शाम बोलेंगे बम बम भोले बम, और रात में बनाएंगे एटम बम, और नहीं है किसी से कम, और मिटा देंगे सबकी दम, ये हिंदुस्तान। तो अब ये संसार के अंदर विवेक नहीं है, कोई सत्संगी आदमी नहीं है, आध्यात्मिक आदमी नहीं है, समझदारी है नहीं, अपना अपना अहंकार है, दूसरे देश की जमीन छीनना चाहते हैं। अब भारत देश की तो खूब छीना है लोगों ने, भारत देश यहाँ के लोग घर ही में ऐंठते ज़्यादा है, अपने भाई से ऐंठेंगे, अरे क्या समझ रखा तुमने, समझ रखा हम समझे हैं तुम भाई हमारे, और क्या समझ रखा। लेकिन इनको मुसलमानों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, इनको आर्यों ने लूटा, इनको अंग्रेजों ने लूटा, और ये खूब लूटे हैं, खूब पिटे हैं, तब भी इनकी ऐंठ नहीं गई है, रहे घर में संगठन बनाकर रहे, वो बाहर शेर की तरह गरज कर रह सकता है। और जो घर में तकरार करता है, लड़ाई करता, झगड़ा करता, फूट डालता, मारपीट करता है, और घर में जिसका संगठन खत्म हो जाता है, वो बाहर हर जगह शियार की तरह, लोमड़ी की तरह, बिल्ली की तरह पूंछ दुबक करके, दबा करके म्याऊं, यही करते रहोगे तुम। इसलिए आपस में संगठन बनाइए, और बाहर भी गरजने की जरूरत नहीं है, वहां भी प्रेम से बोलो, जितना प्रेम से तुम सफल हो सकते हो, ऐंठ कर सफल नहीं होगे, कभी भी सफल नहीं होगे।
अपने घर में तो ऐंठते हो, लोग क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने घर में तुम रोज़ नखरा करते हो, कितनी औरतें इतना नखरा करती बोलती, तुम ज़्यादा करी हो तो हम अपने मायके चले जीवे। और पति भी बड़ा सीधा है, भोला भंडारी, कोई समझदार हो तो बोल दे झोला ला कर उसको दे दो, और किराए के लिए 2,000 रुपये दे दो, और गाड़ी तैयार करा दो, कह दे ले चल बैठ पहुँचा देता हूँ। साल भर मत बुलाओ, दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ज़रूरत क्या इनकी। एक लेबर लगा लो, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी बनाए खाए, झाड़ू बहरू लगाए, जो कहोगे वही करेगा, जहाँ खड़े कर दोगे वहीं खड़ा रहेगा, ये नाटकबाजी ख़त्म। लेकिन अब यहो मेहरकुल्ला है, ये कहते नहीं जाए और नंदे पीछे तुम्हारे बिना मर जाए, तो वो समझ गए नालायक है पूरा। ये सब नाटक करने क्या जरूरत, जाने दो। जिसका पति ज़्यादा नखरा करता हो उससे कहते जाओ साल तो साल तीर्थाटन करके आ जाओ, जाओ साल भर गुरु जी के यहाँ रह आइए। हाल तो नखरेबाजी कर रहे हो, लड्डू कहीं नहीं रखे हुए हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपकी रहनी गहनी शुद्ध नहीं है, आचार विचार शुद्ध नहीं है, जहाँ जाओगे तुम्हारा नाम क्या होगा, वही नाम होगा जो घर में नाम है, जो घर में बेइज्जती है वही वहाँ हो जाएगी। कुछ नहीं है, गुलाब का फूल घर के आंगन में फिले तो भी इसको गुलाब का फूल का सम्मान मिलता है, गुलाब के फूल का आदर मिलता है, और गुलाब का फूल छत पर गमले में खिले तो भी वही आदर मिलता है, और गुलाब का फूल तुम्हारे बगीचे में खिले, और गुलाब का फूल चाहे बॉम्बे में खिले चाहे दिल्ली में खिले, गुलाब को गुलाब का ही सम्मान मिलता है। याद रखना, अगर गुलाब के फूल बनोगे, चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे शहर में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, आप सबके लिए प्यारे बन जाओगे, इसलिए गुलाब बनो कृपया, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कितनी महिलाओं का नाम पूछो तुम्हारा नाम क्या, तो बोलती गुलाबो देवी, तो बोले काम क्या है, बोले बबुली देवी, काम है बबूल के कांटे जैसी चुभती हो, नाम है गुलाबो और काम है बबूलो, तो ये सब क्या कर रही हो। कितने आदमियों से पूछो तुम्हारा नाम क्या, बोले रामचंद्र, और दारूक बोतल हाथ में हर समय रावण का काम कर रहे, ये रामचंद्र का भी अपमान करते हो। रामचंद्र नाम है तो रामचंद्र जैसा कुछ काम भी होना चाहिए। बहुत ही संतोष की जरूरत है, गम खाने की जरूरत है। और जब तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, भाई भाई लड़ते हो, देवरानी जेठानी तुम लड़ती हो, गांव के लोग तुम्हारी बहुत हंसी करते हैं, वो मजा लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, रिश्तेदार भी हंसते हैं, अब अच्छा हुआ, दमादम मस्त कलंदर, और मूर्ख सब घर के अंदर, रिश्तेदार भी हंसते हैं, वो तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे ये मिट कब जाए, ये मिटे तो ये बहुत आगे बढ़ गए, बहुत उन्नति कर लिया, करोड़ों कमा लिया, अब इनका लंबा कुर्ता थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए, वो भी इस इंतजार में थे। अब पड़ोसी तो तुम्हारे घर चाय पीते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इतना गर्म दिमाग घर भरे का कर दो कि आपस में लड़के कटके ख़त्म हो जाए। कौरव पांडव अगर आपस में न लड़ते तो क्या उनका विनाश होता इतना जल्दी, यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके ना मरते तो इतना जल्दी क्या उनका विनाश हो सकता था। याद रखना, जब आपस में लड़ाई होती है तो मनुष्य के पूरे परिवार कुटुंब के विनाश का वक्त आ जाता है, इज्जत का विनाश होता है, सान सम्मान का विनाश होता है, विकास का विनाश होता है, उन्नति का विनाश होता है, और आपके जिंदगी का भी विनाश हो जाता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहना सीखो, गम खाकर रहना सीखो, एक दूसरे की मदद करना सीखो, हिल मिल कर जीना सीखो, और साहेब बंदगी बोलना भी सीखो।